दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर और आपके फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और जानकारी के साथ हाजिर हूं मैं, यानी आपका मनी मित्र रजनीश कांत। दोस्तों आप कोई भी गाड़ी चलाते हो और ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की आपकी आदत है तो अब ज्यादा जुर्माना देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि सरकार ने मौजूदा मोटर वाहन कानून में संशोधन के प्रस्ताव किए हैं और उस प्रस्ताव में जुर्माने की रकम में काफी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ कुछ नए प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं। तो मोटर वाहन कानून में संशोधन के क्या है प्रस्ताव और किस रूल्स के उल्लंघन पर कितना जुर्माना देना पड़ सकता है, मैं आज इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूं। तो सरकार ने मोटर वाहन कानून में संशोधन किया है। संशोधन के दौरान ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर जुर्माने की रकम में काफी बढ़ोतरी की गई है। वाहन कंपनियों पर रूल्स तोड़ने पर 100 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ये पहली बार किया गया है। एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ये भी पहली बार किया गया है। किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल, ट्रैफिक लाइट जंप करना और गलत दिशा में गाड़ी चलाने को खतरनाक ड्राइविंग की कैटेगरी में रखा गया है। अयोग्यता के बावजूद वाहन चलाने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लंघन करने वाले टैक्सी एग्रीगेटर्स पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने के लिए मदद करने वाले लोगों के संबंध में दिशा निर्देश भी शामिल किए गए हैं। दुर्घटना के बाद नाजुक समय में नकदी रहित यानी कैशलेस उपचार की योजना का प्रावधान किया गया है। चालक के परिचालक यानी ड्राइवर्स अटेंडेंट को तृतीय पक्ष बीमा यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में शामिल किया गया है। बीमा राहत राशि में 10 गुना बढ़ोतरी कर इसे 50,000 से बढ़ाकर 5,00,000 किया गया है। पीड़ित के परिवार द्वारा 5,00,000 की राहत राशि स्वीकार करने पर बीमा फर्म को 1 माह के भीतर दावे का भुगतान करना होगा। दावा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। दुर्घटना कर भागे जाने की स्थिति में मृत्यु होने पर न्यूनतम राहत राशि 25,000 से बढ़ाकर 2,00,000 करने और गंभीर चोट लगने पर 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने का प्रावधान किया गया है नए संशोधन में जो मोटर वाहन कानून है उसके। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं कि किस नियम के उल्लंघन पर आपको क्या जुर्माना देना पड़ेगा, पुराना जुर्माना क्या था और नया जुर्माना क्या प्रस्तावित है। तो सामान्य नियम का उल्लंघन करते हैं तो पहले 100 रुपया देना पड़ता था, 500 रुपया देना पड़ेगा। सड़क कानून का उल्लंघन करते हैं तो पहले 100 रुपया देना पड़ता था जुर्माना, 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। बिना टिकट यात्रा करने पर पहले 200 रुपया जुर्माना था, अब 500 रुपया जुर्माना देना होगा। अधिकारियों के आदेश की अगर आप अपज्ञा करते हैं, उनके आदेश को नहीं मानते हैं तो पहले 500 देना आता था, वही अब 2,000 देना होगा। बिना लाइसेंस अनाधिकृत वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो पहले 1,000 जुर्माना देना पड़ा था, 5,000 रुपये जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो पहले 500 जुर्माना देना होता था, 5,000 जुर्माना देना होगा। अयोग्यता के बावजूद अगर ड्राइविंग करते हैं तो पहले 500 जुर्माना देना होता था, वही अब 10,000 रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे। निर्धारित आकार से बड़ी गाड़ी आप गाड़ी चलाते हैं तो ये नया प्रावधान शामिल किया गया है, तो उसके दोषी पाए जाने पर आपको 5,000 रुपये जुर्माना देने होंगे। अब निर्धारित सीमा से अधिक गति में गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर पुराना जुर्माना 400 रुपये था, वही अब लाइट मोटर व्हीकल के लिए 1,000 रुपया हो गया है और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 रुपया हो गया है। लाइट मोटर व्हीकल मतलब LMV और MPV मोटर, ये मीडियम पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। खतरनाक ड्राइविंग के दोषी पाए जाने पर पहले जहां 1,000 रुपये जुर्माना देना होता था, वहीं अब 5,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। शराब पीकर ड्राइविंग के दोषी पाए जाने पर पहले जहां 2,000 जुर्माना देना होता था, वहीं अब 10,000 रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे। स्पीडिंग रेसिंग करते हैं सड़कों पर तो पहले जहां 500 रुपये जुर्माना था, वहीं अब 5,000 रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे। बिना परमिट की गाड़ी चलाते हैं तो पहले जहां 5,000 तक जुर्माना था, वहीं अब 10,000 तक जुर्माना देना होगा। लाइसेंसिंग शर्तों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स के संबंध में नया प्रावधान जोड़ा गया है। तो ऐसे एग्रीगेटर्स को 25,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये तक जुर्माने के रूप में देना पड़ सकता है। निर्धारित सीमा से ज्यादा माल लादे जाने पर
पहले जहां 2000 और अतिरिक्त प्रति टन 100 रुपये देने होते थे जुर्माने के तौर पर, वहीं अब 20,000 रुपये और प्रति अतिरिक्त टन 2,000 रुपये देना होगा। अगर यात्रियों की ओवरलोडिंग करने पर पकड़ाते हैं तो प्रति अतिरिक्त यात्री 1,000 रुपये जुर्माने के रूप में देने होंगे। ये जो पुराना कानून है उसमें ये प्रावधान नहीं था, ये नया प्रावधान किया गया है। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था, वहीं पर 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। दोपहिया वाहन पर अगर ओवरलोडिंग करते हैं तो पहले 100 रुपये जुर्माना था, वहीं अब 2,000 रुपये जुर्माना के साथ साथ 3 महीने लाइसेंस के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे। बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हैं तो 100 रुपये पहले जुर्माना था, अब 1,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा और साथ ही साथ 3 महीने के लाइसेंस के लिए आप अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे। इमरजेंसी गाड़ियों जैसे ये जो होता है आपका फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है या फिर एक्सीडेंट जो इलाज के लिए गाड़ियां ले जाई जाती है उसको अगर आप रास्ता नहीं देते हैं तो 10,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। ये नया प्रावधान जोड़ा गया है। बिना इंश्योरेंस आप ड्राइविंग करते हैं तो पहले जहां 1,000 रुपये जुर्माना था वहीं अब 2,000 रुपये जुर्माना होता है। अगर नाबालिग द्वारा अपराध किया जाता है तो गाड़ी के मालिक को या फिर नाबालिग के अभिभावक को 25,000 जुर्माना देना पड़ेगा, साथ ही साथ 3 साल की जेल भी होगी और संबंधित गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। अधिकारियों पर अगर आप जबरदस्ती दबाव बनाते हैं और उसके दोषी पाए जाते हैं तो संबंधित सेक्शन के जुर्माने से दोगुना जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो ये है मोटर वाहन जो कानून है उसमें जो नया संशोधन है उसके प्रस्ताव। तो इन जुर्मानों को ध्यान में रखिएगा और ट्रैफिक रूल्स का हमेशा पालन कीजिए। दोस्तों आपको बता दूं कि ये राज्यसभा से पारित कर दिया गया है, इसे लोकसभा में भेजा गया है और लोकसभा में अगर ये संशोधन पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा मंजूरी के लिए, और राष्ट्रपति अगर मंजूरी दे देता है तो उसके बाद सरकार अधिसूचना जारी करेगी और अधिसूचना जारी करते ही ये जो संशोधन है वो कानून का रूप ले लेगा। और उसके बाद अगर आप ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो आपको ये नए संशोधन के मुताबिक जुर्माना देना पड़ेगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए हिंदी फाइनेंशियल ब्लॉग बी योर मनी मैनेजर .blogspot.com। और हाँ, अपने इस यूट्यूब चैनल को कृपया लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सुझाव देना, सवाल पूछना, आलोचना करना मत भूलिएगा। तो आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।